जनपद बलिया पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने आज पैरामिलिट्री सीपीसी कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि कैंटीन सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए हर एक सुविधाजनक स्थान होगा, जहां पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। कैंटीन पे किस तरह की सुविधा है, क्या कुछ है कैंटीन पर? कैंटीन में जो है ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक और जितने फर्नीचर सामान है सारी सुविधाएं दिया जा रहा है। इसका खोलने का सबसे बड़ा समय किसको रहेगा? इसका खोलने का समय हमारे जितने भी कार्यरत जो रिटायरमेंट आ गए हैं उनके लिए ये सुविधा दिया गया है। स्नेह किसका देंगे, मतलब आशीर्वाद किसका रहा है कि इतना बड़ा आपने शॉप खोला है? सर हमारे गवर्नमेंट द्वारा दिया गया अप्रूवल मिला है, माता पिता का भी हमारा आशीर्वाद है, जो मित्र हैं इनका काफ़ी सहयोग है। ठीक है सर, तो ओपनिंग के दौरान क्या आप कुछ ऑफर ऑफर भी दे रहे हैं क्या? ओपनिंग का ऑफरिंग है कि ऑलरेडी पहले से ही छूट है, 50% 60% की छूट, 70% की छूट, तो बैंक में जो कैंटीन की फैसिलिटी है वही है। ओपनिंग के दौरान आप पूरे बलियावासियों को क्या संदेश रहेगा सर? ओपनिंग के दौरान पूरे बलियावासी सब आ गए, तो एक बार हम यही कहेंगे कि सभी बलिया वालों को सारी सुविधाएं कैंटीन के सबको दिया जाए। राजन जी, आज किस तरह का ये शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ है? जैसे ये पैरामिलिट्री डिफेंस है, ये पैरामिलिट्री का एक कैंटीन खोला गया है जिसमें पैरामिलिट्री की सुविधाएँ दिया जा रहा है। जो बलिया में अभी तक इसका बस्ती में अपना एक ब्रांच होता है, एक ब्रांच यहाँ बहादुरपुर में भी खोला गया है, जिसके मिलिट्री वाले को जितने भी रिटायरमेंट हैं कार्यरत हैं उनकी सबकी सुविधा दिया जा रहा है। क्या उम्मीद रहेगा जिस तरह वहाँ की सेवा देने के बाद और देश की सेवा करने के बाद अब जनपद में कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का क्या रहेगा? देश की सेवा कर लिया है, अभी 15 साल नौकरी की है, अभी हमें आर टी वी से 15 साल देश की सेवा किया हुआ। जब रिटायरमेंट आया तो मैं अलग ये